किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यूबॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, वसीम रिजवी ने कलाम पाक की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल की है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में नाराज़गी देखी जा रही है। आज मुंब्रा शहर में एनसीपी के पदाधिकारी शमीम खान और शानू पठान और सैयद अली अशरफ भाई साहब और तमाम एनसीपी के जो है नगर सेवक कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे और यहाँ पर जो डीसीपी अंबूरे साहब हैं उनके साथ और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर साहब के साथ में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। बहरहाल मीटिंग का मकसद ये था कि जिस तरह से 26 आयतों को रिमूव करने के लिए जो पिटीशन दाखिल किया गया है, वसीम रिजवी ने जो दाखिल किया है उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और डीसीपी को जो है यहाँ पर एक मेमोरेंडम भी पार्टी एनसीपी पार्टी के तरफ से दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक डीसीपी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इस पर हम कानूनी कार्रवाई इस पर शुरू की जाएगी। आज जिस तरह से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ये मीटिंग ली गई, उसके बाद डीसीपी अंबूरे ने क्या कुछ जानकारी दी है इस मीटिंग के बारे में और एनसीपी के तमाम पदाधिकारी शमीम खान और शानू पठान ने भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सर, आज जो यहाँ पर मीटिंग ली गई थी और कलाम पाक के बारे में जो डीसीपी ने कहा है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जो मीटिंग ली गई, क्या इसमें फैसला हुआ, क्या डिसीजन और लोगों की मांगे क्या थी जो एनसीपी के लोग यहाँ पर आए? जो सैयद अली भाई साहब थे, शमीम भाई थे, शानू पठान जी थे, सभी कॉरपोरेटर्स थे और मौलाना भी कम्युनिटी के मौलाना भी थे। उन्होंने सभी ने इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उसके तहत हम लोगों ने उनको कहा कि ये इस संदर्भ में जो भी आपका सबका कहना है वो हमें लिखित स्वरूप में दे दीजिए। उसके तहत उन्होंने हमको एक जो पूरा सभी लोगों के सिग्नेचर्स का लेटर भी हमको दिया है। अभी उस लेटर के ऊपर हम लोग उसके ऊपर जो भी कायदेसर कार्रवाई रहेंगी उसके ऊपर ज़रूर हम लोग करने वाले हैं। सर, आपने अपनी बात रखते हुए तमाम लोगों को जो है बताया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, इस तरह के मामलात में एक कोई प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में क्या जानकारी देंगे उस गाइडलाइन और प्रोसीजर की? सर, अभी हमारा एप्लीकेशन हमने उनका इन्वर्ट अभी मतलब जो सभी लोगों ने हमको बताया है वो एप्लीकेशन को लेके हम लोग अभी उनका पूरा लीगल जो भी चीज़ें रहेंगे उसके ऊपर हम पूरा कार्रवाई करेंगे। लीगल प्रोसीजर के तहत लीगल ओपिनियन जो लेना रहता है सब चीज़ों के ऊपर हम लोग पुलिस स्टेशन से के तहत में हमारी पूरी कार्रवाई की जाए। हमारे शहर के सभी NGO और उलमा इकराम यहाँ पे आए, शमीम खान जी और हम सब मिल के वसीम रिजवी के ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए और हमने निकालने और डालने की बात के लिए नहीं आए, क्योंकि कुरान और काबे की जिम्मेदारी अल्लाह खुद लिया। हमारा आपके पास आने का कारण ये है कि दो समाज, दो वर्ग, दो फिरके में ना इत्तेफाकी ना फैले, शहर में वातावरण ना खराब हो, देश में वातावरण ना खराब हो, इसीलिए धार्मिक भावना को दुखाया है उसकी FIR दाखिल करें। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कुछ आई है, उस गाइडलाइन को हम CP साहब और कलेक्टर साहब से डिस्कशन करके 1 वीक के अंदर हम सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करेंगे और हम आपके जरिए ये बताते हैं, हम सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम उनको दे दिया, 1 वीक के बाद वो क्या हमें इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले वो लिखित में देंगे। उसके बाद अगर हम कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम माननीय जितेंद्र दरबार साहब के मार्गदर्शन में इस कोविड का अगर केसेस कम रहे तो हम इसको आंदोलन के जरिए भी सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालेंगे। डेलीगेशन हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और कुल जमात का मिल करके हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, हमारे संगठन उलमा इकराम, हमारे भाई साहब और तमाम लोग हम लोग यहाँ पे आए, जिसमें DCP अंबूरे साहब से
अविनाश अंबरी जी से हमारी बात हुई, हम लोगों ने हमारे वहां पे ख्यालात का इजहार किया, हम लोगों ने साफ जुमले में ये बात कहा है कि सर इन्होंने कहीं ना कहीं मसलक के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम, आलम इस्लाम में हम लोगों का दिल दुखाया है। 26 आयतें निकाल दी जाए, ऐसा पिटीशन डाला है कोर्ट के अंदर, तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसे इंसान को तो इस्लाम की खारिज कर देना चाहिए। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने बड़े नेताओं खुश करता है। मैं जहां तक जानता हूं कि कानपुर में कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी उनकी 16 करोड़ रुपए की, जहां पे वो वक्त की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को लेकर के उनको केस चल रहा है, उनको जॉब देना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी खा ली, ऐसे बहुत सारे मामला थे उनके ऊपर। तो वो उनके आपा को खुश करने के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा नाम मुस्लिम रिजवी है, उनका नाम मुस्लिम रिजवी नहीं बल्कि कुछ और रख लेना चाहिए। वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो सुन रहे हो समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आज जो रिजवी साहब ने हमें कहा है, हमारे तमाम डेलीगेशन और हमारे ग्राम को ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द, उनकी बात हमारे मंत्री जी से भी हुई है, बहुत जल्द हम लोग एक हफ्ते के अंदर इन पे FIR दर्ज करने का मामला करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर से FIR दर्ज नहीं होता है तो उन्होंने कहीं ना कहीं फसाद कराने की कोशिश किया है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे आदमी के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां जाकर के हम लोग इनके खिलाफ जयल दाखिल करेंगे। और आज आप लोग आए थे, तमाम NCP के लोग यहां पर आए थे, वसीम रिजवी ने जो पिटीशन दाखिल किया उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, आज मीटिंग भी ली है, और आप एक हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, मैं एक हिंदू कम्युनिटी से हूँ, सही बात है, लेकिन हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं, क्योंकि हम हमेशा एकजुट होकर रहे हैं। और इस देश की संस्कृति भी यही है कि जो यहाँ पर होकर गए हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होकर गए, उन्होंने कभी कुरान पर या कुरान के किसी आयात पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। और ये जो शख्स है वसीम रिजवी, इनको कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि कुरान जो है प्रॉफेट मोहम्मद के यहाँ से या अल्लाह के यहाँ से आया हुआ एक किताब है, तो जिसे हम सब फॉलो करते हैं, और ऐसा नहीं कि ओनली मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, उसे कई कितने नॉन मुस्लिम्स है जो कुरान को अपनी अपनी भाषा में पढ़कर उसको फॉलो करते हैं। और कुरान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने ज़िंदगी में नहीं है। आज जो हम योगासन बोलते हैं या किसी और धर्म में कोई और चीज़ होगी, तो वो एक ये है, नमाज है। तो इस तरह से हम लोग को जो दिया गया है वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें दखल अंदाजी देने का किसी का हक नहीं बनता है। NCP के तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल अभी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वसीम रिजवी ने कहा है कि जो है कलाम पाक की जो 26 आयतें हैं जिसको लेकर उन्होंने एतराज जताया है, कहा है कि इससे जो है मुस्लिम नौजवान जो है भटक रहे, वो आतंकवाद की राह पर जा रहे, ये 26 आयतें जो है बाद में इसे अमेंडमेंट किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर, कितना वसीम रिजवी जो है इस पर कितने सही है कितने गलत है? सर मैं आपको बताऊं कि वसीम रिजवी ने जो बात कही है वो सरासर गलत है, और वो इसलिए वो कह रहे हैं, असल में हमारे देश की जो यूनिटी है, और सर जैसे आप मीडिया वाले हमारे हमेशा भाईचारगी पर बताते हैं, वसीम रिजवी चाहते हैं कि हमारी देश की यूनिटी को, एकता को वो तोड़ दें। और सर मैं आपको, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने पूरी IPC सेक्शन DCP साहब को, हमारे सीनियर साहब को हमने ये लिख के दी है, और इसके बाद का हमारा स्टेप ये होगा कि जब ये FIR लॉन्च होगी इसके बाद हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। और हमें पूरा यकीन है बाबा साहेब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून बनाया है, और जो असेंबली बनाई उन्होंने, और जितने भी उन्होंने धाराएं बनाई है, हमें पूरा यकीन है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा और देश के अंदर भाईचारे की बनी रहेगी। कुरान पैगाम देता है अमन और शांति का, ये ऐसे लोग हैं कि देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और हम देश के माहौल को कभी खराब नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात कहूंगा कि ये तेरी मेरी बात है, कि ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना, इस देश को देश रहने दे, बाजार मत बना, हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से, उनकी बीच नफरत की दीवार मत बना। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया, और जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर जो है मीटिंग की गई थी, इसमें
डीसीपी साहब भी मौजूद थे, वसीम रिजवी है, उन पर एक हफ्ते के बाद जो है कार्रवाई करने का एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी है उन्हें ऐसा आश्वासन दिया गया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।